बाकी ग्राफिकल क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको करंट डिवीजन रूल तथा वोल्टेज डिवीजन रूल के बारे में जानकारी देंगे। करंट डिवीजन रूल क्या है? करंट डिवीजन रूल जो है, शाखाओं में धारा का बंटवारा किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम जानकारी आप लोगों को पूर्ण रूप से बताएंगे। यदि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम एक नेटवर्क ले लेते हैं। जिसमें दो ब्रांच लगी हुई हैं। इसमें मान लीजिए कि रेजिस्टेंस R1 है तथा इसमें रेजिस्टेंस R2 है। यदि हम ले लेते हैं इसमें करंट प्रवाहित होने वाली धारा I1 है, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I2 है, टोटल करंट जो हमारा I है, हमारा टोटल करंट जो थी I थी। तो हम किसी भी ब्रांच में धारा निकालने के लिए क्या करते हैं, यदि मानिए कि हम I1 निकालना चाहते हैं, I1 करंट निकालना चाहते हैं, तो हम I1 इक्वल टू लिखेंगे टोटल करंट तथा जिस ब्रांच की धारा हम निकालना चाहते हैं, जिस शाखा की हम धारा निकालना चाहते हैं उसके विपरीत वाला रेजिस्टेंस लिखेंगे R2 अपान दोनों रेजिस्टेंस का योग R1 प्लस R2। ये करंट हमारा जो है एम्पियर में प्राप्त हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, यदि हम I1 करंट निकालते हैं, इस ब्रांच की करंट निकालते हैं, इस ब्रांच की करंट निकालते हैं, तो क्या लिखते हैं, I1 इक्वल टू टोटल करंट I इंटू इसके विपरीत, इस ब्रांच के विपरीत जो रेजिस्टेंस रहेगा जिसमें बंटवारा हुआ रहेगा करंट का, उसका रेजिस्टेंस बटे दोनों रेजिस्टेंसों का योग, जैसा कि यहाँ पे दिया गया टोटल करंट इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। यदि हमें I2 निकालना रहे, करंट I2 निकालना रहे, तो इसी प्रकार से हम लेंगे टोटल करंट इंटू I2 ये है, तो टोटल करंट इसके विपरीत रेजिस्टेंस कौन सा है जिसमें बांट धारा का बंटवारा हुआ है, तो ये है R1 बटे R1 प्लस R2। यदि आप डेरिवेशन भी चाहते हैं तो इसका डेरिवेशन भी हम लोग कर लेते हैं। चूँकि ये दोनों ब्रांच जो है पैरेलल में लगी हुई है, पैरेलल में ये दोनों ब्रांच जो है हमारी लगी हुई है, तो इसमें वोल्टेज जो होगा समान होगा। यदि हम मान लेते हैं इसके क्रॉस वोल्टेज जो है बी है, तो जो बी इसके क्रॉस है पैरेलल में लगे हुए हैं, तो यहाँ भी वोल्टेज जो है बी ही प्राप्त होगा, बी ही रहेगा, या फिर B1 B2 भी मान सकते हैं, लेकिन दोनों बराबर होंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा I1 R1 इक्वल टू I2 R2। ये हमारा प्राप्त होगा, चूँकि सर्किट पैरेलल में लगा हुआ है तो वोल्टेज समान होगा दोनों में, इसलिए ये प्राप्त होगा। तो हम इसका डेरिवेशन करते हैं, तो I का बंटवारा दोनों में हुआ हुआ है I1 तथा I2 में, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 लिखेंगे, क्योंकि हम यदि पहले I1 को निकालते हैं तो I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या होगा, B अपान R2। I2 इक्वल टू यहाँ क्या होगा, B अपान R2।
बी अपन आर टू हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, आई इक्वल टू बी अपन आई वन प्लस बी अपन आर टू। इसको इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आई आर टू इक्वल टू आई वन प्लस बी, बी इक्वल टू हम लिखते हैं चूँकि हमको आई वन निकालना है, तो बी इक्वल टू आई टू आर टू ना लिख के आई वन आर वन लिखते हैं। आई आर टू इक्वल टू यहाँ आर टू भी प्राप्त होगा, तो आई आर टू इक्वल टू आई वन आर टू प्लस आई वन आर वन। इस प्रकार से हम आई वन को कॉमन ले लेंगे, तो आई इक्वल टू आई टू आई आर टू इक्वल टू आई वन कॉमन ले लिए, क्या बचेगा हमारा, आर टू प्लस आर वन, राइट। अब हम आई वन निकाल लेंगे यहाँ पे, तो यदि हम आई वन लिखेंगे यहाँ पे तो आई वन इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए आई आर टू अपान आर टू प्लस आर वन को सही फॉर्म में लिख देते हैं, आर वन प्लस आर टू। इसका हम पक्षांतर करेंगे, इस साइड आएगा तो ये हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम इसका डेरिवेशन भी प्राप्त कर लिए। आई वन बराबर क्या हो गया, आई आर टू अपान आर वन प्लस आर टू, जैसा कि हमने आपको ये बताया हुआ है डायरेक्टली। तो इसी प्रकार से हम इसी प्रकार से आई टू को भी निकाल सकते हैं। ये हमारा करंट डिवीजन रूल हो गया, जिसका उपयोग नेटवर्क को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, बहुत ही आवश्यकता होता है, प्रत्येक नेटवर्क के लिए यह आवश्यक है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमने बताया आपको। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हैं। अब चलिए हम वोल्टेज डिवीजन रूल के बारे में जानकारी देते हैं आप लोगों को। इसमें हम वोल्टेज डिवीजन रूल हम आपको बताएंगे। तो वोल्टेज डिवीजन रूल, जब सर्किट में कई रेजिस्टेंस लगे होते हैं तो सप्लाई वोल्टेज का बंटवारा किस प्रकार से सर्किट में होता है, कई रेजिस्टेंस लगे होते हैं तो सप्लाई वोल्टेज का बंटवारा किस प्रकार से होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए एक सर्किट बनाते हैं जिसमें ये हमारा सर्किट हो गया, ये रेजिस्टेंस आर वन हो गया, ये रेजिस्टेंस आर टू हो गया, ये सप्लाई वोल्टेज हमारा बी दिया गया हो, सप्लाई वोल्टेज बी दिया गया हो, और इसमें वोल्टेज ड्रॉप बी वन हो और इसमें वोल्टेज ड्रॉप बी टू हो, तब हमारा क्या होगा, बी वन इक्वल टू टोटल वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज बी इंटू जिसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकाल रहे हैं उसको, उसी का रेजिस्टेंस हम इसमें लेंगे, चूंकि करंट में विपरीत लेते थे लेकिन जिसमें वोल्टेज डिवीजन रूल में जिसका वोल्टेज ड्रॉप हम निकालते हैं उसी को, उसी का रेजिस्टेंस लेते हैं। जैसे हम बी वन का निकाल रहे हैं तो बी वन के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस बी वन लगा हुआ है वो आर वन है, तो टोटल वोल्टेज इसमें भी टोटल वोल्टेज लेंगे इंटू आर वन बटे आर वन प्लस आर टू। आगे हम यदि बी वन का ये ऐसे निकाल लेंगे डायरेक्टली
और बी टू का जब निकालेंगे, बी टू इक्वल टू हमने बोला आपको कि पहले टोटल वोल्टेज लेंगे, सप्लाई वोल्टेज, टोटल वोल्टेज इंटू जिसके एक्रॉस बी टू ड्राप हुआ है, उसी का रेजिस्टेंस को, उसी के रेजिस्टेंस को हम लेंगे, जिस रेजिस्टेंस के एक्रॉस बी टू का ड्राप हुआ है, ये हमारा है जो बी टू ड्राप जो हुआ है आर टू के एक्रॉस हुआ है। तो हम बी टू निकाल रहे हैं, तो बी टू जिसके एक्रॉस ड्राप हुआ है वो रेजिस्टेंस क्या हुआ है, क्या है, आर टू अपान ये दोनों रेजिस्टेंसों का योग। इस प्रकार से हमारा बी वन बी टू निकल जाएगा। यह है वोल्टेज डिवीजन रूल, नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए बहुत ही अति आवश्यक है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इसे स्किप ना करके पूर्ण रूप से वीडियो को देखिए। ये हो जाएगा हमारा बी टू प्राप्त हो जाएगा, जो कि दोनों की यूनिट हमारी जो रहेगी वोल्ट रहेगी, वोल्ट वोल्ट वोल्टेज की यूनिट विभवांतर या वोल्टेज की यूनिट जो होती है हमारा वोल्ट होती है। अब इसका डेरिवेशन करना चाहते हैं यदि आप, तो इसका भी डेरिवेशन कर सकते हैं। चूँकि यदि यदि इसमें प्रवाहित होने वाली धारा हम I लें, चूँकि श्रेणी में लगा हुआ है तो दोनों में समान धारा प्रवाहित होगी, तो हमारा I बराबर यदि निकालना हम चाहेंगे तो क्या होगा, I इक्वल टू हमारा क्या होगा, टोटल वोल्टेज बटे आर वन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट यदि हम निकालना चाहेंगे तो टोटल वोल्टेज बटे टोटल रेजिस्टेंस, ये हमारा प्राप्त हो गया। अब आगे डेरिवेशन हम बी वन बी टू कैसे निकालते हैं। बी हमारा इसी का डिवीज़न हुआ है, बी का ही सप्लाई वोल्टेज का ही डिवीज़न जो है बी वन प्लस बी टू होता है, तो बी इक्वल टू हमारा क्या होगा, बी वन प्लस बी टू, बी वन प्लस बी टू। यदि हम मान लेते हैं कि बी वन हमको निकालना है, यदि हमें बी वन निकालना है पहले, तो उसी के हिसाब कार्य करेंगे, ऐसे ही कार्य करेंगे। देखिए बी इक्वल टू हमें बी वन निकालना है प्लस, और बी टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारी बहने वाली धारा इस रेजिस्टेंस से क्या है आई, तथा रेजिस्टेंस क्या है आर टू, तो हमारा बी टू क्या हो जाएगा, बी टू क्या हो जाएगा आई आर टू, तथा बी वन भी क्या हो जाएगा हमारा आई आर वन। तो बी टू का मान हम यहाँ पे रखेंगे, बी टू इक्वल टू क्या है आई आर टू, हमारा बी टू का मान ये प्राप्त हो गया। आगे चलते हैं, करते हैं बी ए बी वन रहेगा, बी इक्वल टू बी वन प्लस आई का मान क्या हमने निकाला है यहाँ पे, आई इक्वल टू बी अपान आर वन प्लस आर टू, तो हम इसको रखेंगे, उसको पुट अप करेंगे आई का वैल्यू, तो बी अपान आर वन प्लस आर टू, और ये आर टू यहाँ भी है, ये हो जाएगा आर टू। अब इसका हम पक्षांतर कर देंगे, तो बी वन इक्वल टू हम लिखेंगे, बी वन इक्वल टू हमने बी वन को मतलब पूरा टोटल प्लॉट के फिर पक्षांतर कर रहे हैं, तो बी वन इक्वल टू बी माइनस बी आर टू अपान आर वन प्लस आर टू। अब इसको इसमें गुणा करेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे जब इसको हम, तो बी वन इक्वल टू हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, बी आर वन प्लस आर टू माइनस जो है बी आर टू अपान आर वन प्लस आर टू।
ये हमारा हो गया यहाँ तक। अब हम इसको इसमें इस बी का इसमें दोनों में गुणा कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, बी वन इक्वल टू बी आर वन प्लस बी आर टू माइनस बी आर टू अपान आर वन प्लस आर टू। अभी हमारा बी आर टू माइनस बी आर टू दोनों कट जाएंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, बी वन इक्वल टू बी आर वन बटे आर वन प्लस आर टू। इस प्रकार से हम बी वन की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार से बी टू की वैल्यू हम यहाँ जैसे के निकाले हुए हैं यहाँ प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार से बी टू की वैल्यू भी हमें प्राप्त होगी। हालांकि दोनों की यूनिट जो होती है हमारी वोल्ट लिखेंगे। इस प्रकार से हमने आपको करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, एक्टिव पैसिव एलिमेंट, बायलेटरल यूनिलेटरल सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपको पूर्ण रूप से बताई। यदि आपको इन सब बातों में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा। चलिए आज के लिए इतना ही है। यदि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक हमारा हमेशा पहुंचते रहे। धन्यवाद।